कैसे हैं आप सभी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का मौसम देख सकते हो आप, हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में तो आज हाई अलर्ट है, तो छुट्टी है स्कूलों की। और क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसा बिल्कुल स्ट्रांग फीलिंग आ रहा था कि इनने अगर छुट्टी करी है तो इट मीन्स बारिश नहीं होगी, क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए हैं। जब हम स्कूल में थे तो ऐसा ही होता था, जब डीएम छुट्टी करते थे तो उस दिन जिस चीज़ के लिए छुट्टी करी होती थी वो चीज़ कभी होती नहीं थी। ऐसे ही ठंडों में भी होता था, जब वो कहते थे आज बहुत ठंडा होने वाला है, आज छुट्टी है, उस दिन धूप आती थी, तो वही हो रहा था। पर आज सुबह से बहुत मस्त से बादल लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। इतनी दूर बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। उड़ गई क्या? नहीं उड़ी है, ऐसी छोटी सी चिड़िया है, मैं पास जाऊँगी तो वो उड़ जाएगी। इन फूलों के ऊपर बैठी हुई है और इसने अपना घोंसला यहाँ लगा रखा है, इसके अंदर। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये इसने अपना घोंसला यहाँ पे लगा रखा है और ये मेरे कहने पे उड़ गई है, पता नहीं कहाँ गई। अब वो शायद अपने घोंसले के अंदर चली गई है, ये उसका घोंसला है। ये फूलों के ऊपर बहुत देर तक उसने डांस किया, वो वापस अपनी जगह पर चले गई है। और मेरी माता जी सुबह सुबह अपने फूलों को बांधते हुए, क्योंकि फिर बारिश आएगी तो ये फूल झड़ जाएंगे, इसलिए इनको दरवाजे से बांध दिया जा रहा है। और क्योंकि ये झड़ जाएंगे तो फिर क्या होएगा? ओ, इसमें नया आ रहा है ना, ये नए, तो फिर ये उड़ जाएंगे। बहुत केयर करके इन्हें के रखना पड़ता है इन्हें। उसमें नया नया गुफाएं आ रही है, तो फिर अगर वो उड़ जाएगा तो फिर कैसे आएंगे? ये देखो बीच बीच में आ रही है, तो इसे बांध दिया इधर से। अब ये अगर आंधी तूफान, मौसम देख सकते हो, आंधी तूफान आएगी तो ये नहीं हटेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज तो सब अच्छे होंगे, आज तो कोई ये भी नहीं कह सकता आज बहुत गर्मी हो रही है। आज मौसम बहुत मस्त हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही है लगातार। कल शाम जब ऑर्डर आए थे कि स्कूल बंद होंगे, तब हमको लग रहा था बारिश होगी या नहीं होगी, क्या पता। लेकिन आज सुबह से जो मौसम हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश है और बिजली भी बहुत चमक रही थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अंकिता तो भीग रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। नहीं, बारिश नहीं दिखते। कैसे हैं आप लोग? आज तो शायद सबके वहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम रहा। आज अंकिता कॉलेज नहीं गई है, शायद इसकी छुट्टी थी या नहीं थी? नहीं थी, इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। और छोटे बच्चों की 12th तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी थी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में थी, उधम सिंह। नहीं नहीं, चार डिस्ट्रिक्टों में छुट्टी है। नोटिस बड़े कॉलेज वाले बच्चों को छुट्टी नहीं थी, और सभी बच्चों की और शायद मैडमों की भी छुट्टियां थी। तो मौसम को एंजॉय करिए और दिखाती हूँ। अभी हमने नाश्ता किया, हमने खाए आज सूखे आलू, आलू के गुटके बोलते हैं पहाड़ी में, तो हमने वहाँ खाए, मस्त आलू के गुटके बनाए और खाए। चाय पी ली हमने सुबह से तीन बार चाय, और जबकि हम लोग एक चाय पी रहे थे सुबह की, बस और शाम की भी चाय नहीं पी रहे थे, और आज हमने तीन चाय पी चुके हैं और अभी ऐसा लग रहा है एक और चाय पिए। और बारिश हो रही मस्त, अंकिता कर रही है कूड़े की गाड़ी वाला आ रहा है, उसका इंतजार। हम अंदर बैठे थे क्योंकि अब कूड़े वाले की गाड़ी वाला आया, तो मतलब गर्मी होती है ना, थोड़ा अलकस भी आता है, बाहर को आने का मन भी नहीं करता। और बारिश हो रही ना, आज ऐसा लगा बाहर को भी आऊं, थोड़ा सफाई भी कर लूं, थोड़ा फूलों को भी देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं, लेकिन जब गर्मी होती है तो मन नहीं करता है बाहर आने का। और मैं तो ऐसे कोने पे खड़ी हूँ, अंकिता भीग रही है, और अभी दिन में बनाएंगे कुछ खाना, बस तो रोटी बनाएंगे। आज शायद बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है। चलो आपको दिखाते हैं फिर क्या बनाते हैं। और मेरा फोन भीग रहा है अभी, आप आगे का आपको दिखाती हूँ। करो करो डांस, आज कल डांस करने को नहीं मिल रहा, रोड पे खड़े होकर डांस कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा आज इसे, कोई नहीं। मैंने अपनी छत बिगाड़ी थी डांस करने में, आज मैं रोड पे आ गई, आज रोड पे आ गई, इतनी बेशर्म हो गई है। आज मैं रोड पे आ गया, नीचे बैठ के डांस कर रही। अब आ गई हूँ मैं छाते के नीचे, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी आ रही है, तो मैं तो खड़ी हूँ छाता में और अंकिता झाड़ू लगा रही है, शायद पहली बार लगा रही है बाहर का, क्योंकि ये भीगना चाह रही है इसलिए काम कर रही है। मैं इतना मस्त मौसम हो रहा है, मैं तो छाते के नीचे हूँ, बहुत मस्त मौसम हो रहा है। और हमारे सामने लग रहे हैं धान,
जो धान निकालने गए हैं, पानी भरा पड़ा है खेत में। मेंढक की आवाज आप सुन रहे होंगे, कितनी अच्छी मेंढक की आवाज आ रही है, पैंक 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 लगा रखी मेंढक ने। मेंढक दिखते नहीं है, आवाज ही आवाज इतनी करते हैं बस। अभी मेंढक दिख रहे क्या? अरे देखो कितना बड़ा मेंढक है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो गया, पता नहीं कल तक मेंढक नहीं थे, अचानक अचानक मेंढक कहाँ से आ गया। मस्त मौसम हो रहा है और मैं घूम रही हूँ। गर्मियों में घूमने की इच्छा नहीं करती है, बाहर को जाने की इच्छा नहीं करती है, और अभी ठंडा ठंडा सा हो रहा है। मैं घूम रही हूँ छाता के अंदर और अंकिता घूम रही है। अंकिता नहा रही है सफाई करते 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 करते। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको पहली पहली बारिश। बारिश में घूम के घूम रहे थे आप लोग या बिस्तर में थे कि चाय पकौड़ी खा रहे थे? हमने तो खा लिए मस्त आलू, और अभी कुछ और बनाएंगे, अंकिता के लिए हलवा बनाएंगे आज। देखो क्या बनता है, बता नहीं सकती, वो तो जब बनेगा तभी पता चलेगा, अभी तो घूम ले पहले। ओम फो, हम बाहर आए और बारिश बंद हो गई तो हम चल दिए घूमने। हम दिन दहाड़े घूम रहे हैं, सारे अंदर बैठे बाहर घूम रहे हैं, सब गर्मियों में घूमते हैं, हम लोग बारिश में घूमने जा रहे हैं। बड़ा मस्त मौसम हो रहा है, हम मौसम की सैर करने जा रहे हैं कि कहाँ कितना पानी भर गया हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि रोडों में कोई भी नहीं है, सब घर के अंदर है, कोई बिस्तर में है, कोई कहाँ है, इसलिए हम बाहर आ गए, इसलिए हम बाहर आ रहे हैं, कोई हमको सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम मस्त होकर वीडियो बना रहे हैं। डांस भी किया मैंने तो बाहर खड़े होके। हाँ, अंकिता का डांस भी शूट किया मैंने। अभी आप इंस्टाग्राम में हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फैमिली ब्लॉगर ब्लॉगर्स फैमिली करके हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें मैंने अपना डांस डाला है, तो पहले उधर जाके देख के आओ उसे। ये देखिए धान लग रहे हैं हमारे सामने, लगने वाले हैं, लगे नहीं है, लग रहे इधर से तोड़ रहे हैं, और हमारे इधर भिंडी भी लगी है जो हमने दिखाई नहीं अभी आज तक आपको, क्योंकि हम आए बाहर आए नहीं, इतनी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर शाम को ट्यूशन वाले होते हैं, फिर मुझे खुद का कॉलेज का काम करना होता है, इसलिए मम्मी बाहर क्यों नहीं आती। तो यहाँ भिंडी भी लगी है, मक्का भी लगे हैं, बैगन भी लगे हैं, तुरई भी लगी है, करेले भी लगे हैं, लौकी भी लगी है, कद्दू भी लगी है। हाँ, जिसको सब्जी खरीदनी है वो आ सकते हैं, यहाँ पर सब्जी बिकती है ताजी ताजी, अच्छे फ्रेश वेजिटेबल। तो परसों हमारा कल कॉलेज में ऐसा सीन हो गया था कि हम सारे के सारे भिंडी लेके आए थे, तो मैं बता दूं कि ये नहीं हो कि वहाँ की भिंडी थी, बहुत ताजी ताजी मिक्स वेजिटेबल लेके आ रहे हैं। बस हमारी दौड़ यहीं तक है, इससे आगे हम लोग जाते नहीं हैं। अब हम लोगों ने खा ली है पलटी, और अब हम लोग इधर को घूमने जा रहे हैं, साइड से बैक वापस अपने घर को जा रहे हैं। देखते हैं कितनी बारिश हो रही है, अभी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, मैं आपको सामने का दृश्य दिखाती हूँ अपने घर का। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि घर ही पानी में है, ऐसा लग रहा है। प्रस्थान करेंगे, अब हम लोग घूमते घूमते घर को जा रहे हैं। अंकिता इधर से होते हैं, इधर को भी देखते हैं, सौरभ भैया हमारा दुकान को जा रहे हैं, तो हम घूमते घूमते जा रहे हैं, और सारी रोड में हमको एक आदमी मिला भाग क्यों गया, वो भी भाग गया है, पता नहीं क्या लेके जा रहा है अपने पापा के, भागा क्यों। तो अब हम अपनी गली को चल दिए, चले जाते हैं अपनी गली को। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, कोई नहीं दिखाई दे रहा हमको, गायब हो गया जो दिखा था वो भी गायब हो गया, चले गया। इसको जरूर जूम करके लूंगी। तो क्या हुआ फिर, अच्छा कर रहा है, किसी को खिला तो रहा है, पूरी रोड में एक तेरे सिवा कोई नहीं दिखा, घूम रहे हैं, कोई नहीं दिखा, तू तो दिखा। अब मैं आपको देखती हूँ मेंढक दिखाती हूँ, मेंढक कर रहा आवाज, और इतना बड़ा मेंढक है ये देखो, देखो कितनी तरह अच्छी तरह से आवाज कर रहा है, कैसे फूंक रहे हैं उसको, मेंढक की आवाज, और इतनी जोर से उछलेगा ना ये मेरा फोन ही गिरा देगा, मेरी आवाज सुन के चुप हो गया है मेंढक।
हमारा भीगना भागना घूमना हो गया है, अब हम लोग करें मैगी और रोटी। रोटी पता है किसके संग खा रहे हैं? घी के साथ। ठंडे में जब बारिश हो जाती है ना, घी के संग रोटी खाने में बड़ा मजा आता है, और उसमें नमक डाल के। और मैगी बस नहीं खा रहे हम लोग, ज्यादा नहीं खा रहे। तो रोटी बनाई, मैगी बनाई, खा रहे हैं। तो बारिश वारिश खत्म हो गई है, अब देखो बिल्कुल मौसम साफ हो गया है। सुबह सुबह की बारिश थी आई गेस, अब बिल्कुल मौसम क्लियर, अब कोई उम्मीद नहीं है बारिश की। फिर वही गर्मी खाओ। कल अभी से गर्मी होने लगी है, कल तो कल, आज ही से बहुत गर्मी हो गई है। अजी धान वाले ने पता नहीं धान क्यों नहीं लगाए, इतने अच्छा मौसम हो रहा था, अब गर्मी में लगाएंगे। देखो पहाड़ भी दिखने लग गए हमारे वहां से, बादल दिख रहे, पहाड़ों के बीच से बादल दिख रहे हैं। वाह,